मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रसीद कंपाउंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलेक्ट्रिक वायरमैन की जमकर पिटाई की गई। रमजान के तीसरे दिन मुमरा के रसीद कंपाउंड में एक इलेक्ट्रिक वायरमैन की नगर सेविका साबिया परवीन अंसारी के बेहद करीबी आमिर अंसारी उर्फ सोना ने पिटाई की है। फरियादी मुजफ्फर अंसारी ने बताया है कि मुझे इलेक्ट्रिक पोल चालू करने के लिए सरफराज अंसारी उर्फ बबली ने बुलाया था और उसके बाद एक्टिवा गाड़ी पर बिठाकर मुझे रसीद कंपाउंड के पास एक दुकान में ले गए और वहां लाठी बामू से जमकर पिटाई की गई। रमजान के तीसरे दिन यानी कल शाम 8 बजे की यह घटना है। लाइट पोल चालू करने को लेकर वायरमैन की जमकर पिटाई की गई है। उसके बाद पीड़िता मुजफ्फर अंसारी को कलवा शिवाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे मुमरा के कालशेखर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनिए इस दौरान इलेक्ट्रिक वायरमैन मुजफ्फर अंसारी ने क्या कुछ कहा है। सोनू कौन है? बबली अंसारी है। बबली भाई से मेरी बात भी, मैं सामने चालू करके देता हूँ जितना पोल है, खंभे जितना मैं सामने चालू करता हूँ। भाई रोजा मैं गाली गलूज मत दे जो भी है तेरा, मैं सामने चालू करने की मेरी बबली भाई से बात भी। खंभे नया वाला खंभा लाइन का, हाँ लाइट का पोल लाइट होता है ना, स्ट्रीट लाइट। तो इसमें बोला ठीक है सामने चालू करता हूँ, तो बोलता तू अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं रोजा हूँ, रोजा खोलने टाइम हो रही है, रोजा खोल के आता हूँ। तो मैं बोला भाई लगा गाली गलौज देने को, मतलब तू क्यों होता गाली गलौज देने वाला, पोल नगर सेवक का पोल है, खम्मा नगर सेवक का म्यूनसिपाली का। बबली भाई बोलेंगे तो मैं चालू करूँगा, बबली भाई से मेरी बात भाई मैं कल चालू करता हूँ। बबली भाई कौन है गाली गलौज दे रहा है, बोलता है छोड़ जाने का ठीक से, मतलब सामने मैं गया रोजा खोलने के बाद, मैंने दो तीन पोल चालू किया, लाइन में चालू किया, तो फिर बोलता है इधर चल, बबली ने बुलाया, मैं घूम गया बबली को, अब लेके बबली गया दो तीन पुल चालू कराया, चालू कराने का बोलता जान उसकी गाड़ी प्लेट को मुझे सब देख कहाँ जा रहा है, उधर थोड़ा दो पुल चालू कर दे, मैंने ठीक है। अब मेरे को हमारे कहाँ ले जा रहा है, लेके गया रूम में बंद कर दिया। कौन सी कहाँ पे रूम में बंद किया था? अपना रसीद कंपाउंड अपने घर के पास ही रूम में बंद करके बामरू बामरू देना चालू, बहुत हाथ जोड़ने लगा माफी। कितने उसमें? 5-6 जेनी थे। 5-6 जिन का नाम मालूम है? नाम नहीं मालूम है, पहले इसे मार रहा था यही हम लोग देख रहे थे। बाम्बू कौन देख रहा था? हम लोग जितने थे और वो जो छोड़ा रहे थे ना हसन भाई, एक हसन भाई थे वही आए थे उसकी गाड़ी पे बैठ के, उनको बीच में बैठाए थे और हसन भाई पीछे बैठे थे, यहाँ तक कि बाम्बू फटफट के टूट टूट गया था इतना मार रहा था। माफ़ी मांग रहा भाई मेरे 3 बेटी है छोड़ दे छोड़ दे। सोनू ने ऊपर से मैं जब निकला बाहर, सोनू मार रहा था सोनू, और 5-6 जन खड़े थे देख रहे थे। हाँ देख रहे थे। कभी की घटना है ये? करीब शाम में रोजा खोलने के बाद 8 बजे कल। हाँ कल 8 बजे। तो कल से आप यहाँ पे एडमिट हो? तो नहीं कल से लेके गए थे कलवा में। हाँ सब लोग भेजे थे और सब बोले पहले कलवा ले गया, तो कलवा ले गए, कलवा में तो फिर हुआ थे बबली अंसारी राजीव अंसारी दोनों आए कलवा में, कलवा तो फिर बोले डॉक्टर तो नहीं है, तो फिर मुझे इधर लेके आए साहब लोग थे मेरे। मैं क्या बताऊँ सर, अब ब्रह्मा ला जैसे मारा है कल के, और चाकू भी दिखा रहा था, चौक पर भी दिया था, बोलते तो काट काटी डालूंगा, मतलब भैया काट दिया तो एकदम मरा कर ही दिए मार के काट दिए, तो सुन ही नहीं रहा था वो बात। फिर मैं निकल के जब मुझे दरवाजे हसन भाई खोले तो मैं भागने लगा, तो मारते जा रहा फिर भी लात से मारते मारते रोकते जा रहा हूँ। ठीक है चलो टेंशन मत लो, उसको एडमिट करते हैं जगह पे, अच्छे से इलाज कराते हैं, और उसको जो सजा मिलनी चाहिए सजा मिल जाएगा, ठीक है। उसको मैंने जमा करा के आया अभी के। तो देखा आपने किस तरह से बेरहमी से मुजफ्फर अंसारी की पिटाई की गई है कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक तरफ जहां सरफराज अंसारी ने वायरमैन मुजफ्फर को लाइट पोल बनाने के लिए मना किया था, मगर वहीं दूसरी तरफ सोना फोन कर उसे लाइट पोल बनाने को कह रहा था, मगर इस बीच दोनों में गाली गलौज हुआ और फिर किसी बहाने से मुजफ्फर ने को सोना ने बुलाया और लाठी बामू से एक कमरे में बंद करके उसे
पीटा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आमिर अंसारी उर्फ सोना ये नगर सेविका साबिया परवीन अंसारी का बेहद ही करीबी है। सोना जिसने मुजफ्फर अंसारी को जमकर पीटा है। बहरहाल मुजफ्फर अंसारी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और जहां उसका इलाज चल रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।